सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका सभी लोगों का आज की न्यू वीडियो में, जो कि हम बात करने वाले हैं GTA San Andreas ऑन PC। आप किस तरीके से GTA San Andreas को अपने PC में डाउनलोड कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने वीडियो डाली थी GTA San Andreas Lite की, जो कि PC के ऊपर नहीं था, जो कि एंड्रॉयड के ऊपर था। तो आज की वीडियो है PC के ऊपर, जहाँ पे आप GTA San Andreas को डाउनलोड कर पाओगे, और एक बात, वो भी ओनली 600 MB में। यानी कि 600 MB में आपको डाउनलोड करनी है एक छोटी सी फाइल, और उसमें आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आप अपना गेम जो है इजीली चला सकते हो। और आफ्टर गेम, आफ्टर इंस्टॉलेशन, आपका जो गेम का साइज़ होगा वो रहेगा 3.5 या फिर 4 GB का समथिंग। तो लाइक ओरिजिनल गेम ही आपको मिलेगा एक तरीके से। तो आपको ओनली 600 MB डाउनलोड करना है, और इवन मैं भी यही गेम यूज़ करता हूँ। सो इसके क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी कंप्लीट देखते रहिएगा। और एक बात यार, आपको ओनली गेम डाउनलोड नहीं करना रहेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि खाली गेम ही डाउनलोड करना है और गेम हमारा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक गेम इंस्टॉल करने के बाद भी आपको एक छोटा सा काम और करना रहेगा, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लाइक क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो भी आप आगे वो आगे देखना, और वो चीज़ भी बड़ी अच्छी होगी, जिससे कि लाइक आपका गेम एकदम परफेक्ट रन कराएगा। और जो है, इस वीडियो में आपका पूरा गेम मैं रन करा के ही जाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, आपका गेम कम्प्लीटली रन करेगा एकदम अच्छे से, स्मूथली। और काफ़ी सेटिंग्स होगी जिनके बारे में बताऊंगा, जो आपको अपने PC के अकॉर्डिंग सेटअप करनी होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको रेगुलर देखनी है, या फिर आपको कोई और मोड चाहिए PC से रिलेटेड, या फिर एंड्रॉयड से रिलेटेड, या फिर कोई ग्राफिक मोड चाहिए अच्छा वाला, तो आप मुझे लाइक कमेंट में बता सकते हो। तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप कमेंट में बताते हो मुझे। तो सो आज की वीडियो यही है, GTA San Andreas किस तरीके से अपने PC में स्मूथली रन कराए, और वो भी ओनली 600 MB में। सो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड लेके चलता हूँ आपको अपनी PC की स्क्रीन पे, एंड लेट्स गो। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर ली है 600 MB की फाइल, जो कि आप देख सकते हो, जो कि 7Z में है, और जो कि अल्ट्रा कंप्रेस्ड है, ठीक है। आप चाहो तो 3.5 GB पार्ट्स में डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी डाउनलोड करोगे तो, एक्सट्रैक्ट करोगे तो बाद में उसी साइज़ का होने वाला है। तो मैंने ये डाउनलोड किया है 600 MB का, जैसा कि आप देखोगे तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद में 4 GB के अराउंड इसका फोल्डर होगा। तो इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। देखो गाइस, कितनी जल्दी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देखो बिल्कुल कुछ सेकंड में एक्सट्रैक्ट हो गया ये। तो ये फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, देन गेम में जाओगे, ये आपके कुछ वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फिर आप जाओगे गेम्स में, ठीक है। गेम में जाने के बाद में आपको मिलेगा सेटअप, ठीक है। अब इस सेटअप को ओपन करना है आपको डबल क्लिक करके। जैसा कि आप देखोगे गाइस, सेटअप पे डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो CMD ओपन हो चुका है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग CUTS.IMG 5% ऐसा दिखा रहा है। तो लगभग आपको 100% होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रा कंप्रेस्ड है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। खाली इतना ही फ़र्क है अल्ट्रा कंप्रेस और कंप्रेस वाली फाइल में, कि आपको वेट करना पड़ता है इंस्टॉलेशन के टाइम, बस और कुछ भी नहीं। बाकी आपका गेम पूरा ओरिजिनल है, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा इंस्टॉल होने में, लेट्स गो। सो गाइस देखो, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो फिनिश हो चुका है, और लगभग लगभग भाई बहुत टाइम लग चुका है यहाँ पे। लगभग लगभग मुझे लगता है कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर लग चुके हैं। सो इतना ही टाइम लगता है अगर आप कंप्रेस फाइल डाउनलोड करोगे जो 600 MB की है, और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाइस, ओके। देन उसके बाद में आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे तो आपका GTA San Andreas का फोल्डर पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, लेकिन 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 ठीक है, आपको अपना गेम ओपन नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको अपना गेम ओपन नहीं करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ अभी आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको बैक आना है, तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी फिक्स रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि 1080p हो जाएगा। आपको पता है कि GTA San Andreas डाउनलोड करते वक्त फर्स्ट टाइम आपका रेजोल्यूशन जो रहता है वो 1080p नहीं रहता है, मतलब 1080p से नीचे ही रहता है, जैसे लाइक 1680 के अराउंड ऐसा कुछ रहता है। तो हमको 1080p रेजोल्यूशन करना है ताकि हम अपने गेम को अच्छे से खेल सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
सिंपली आप इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एक्सेप्ट है करो, आपको फोल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिक्स रेजोल्यूशन नाम से। इस पर जाओ और ये चार फाइल आपको मिलेगी, चार फाइल को सेलेक्ट करो और यहाँ से कर दो इनको कॉपी या कट, कॉपी कर देता हूँ मैं। फिर मैं बैक जाता हूँ और अपने जी टी सैन एंड्रियास के फोल्डर में जाता हूँ, गेम में जाता हूँ और जहाँ पे हमने सेटअप रन किया था वहीं पे यार देखोगे तो पूरा गेम यहाँ पे आ चुका है। और जो फाइल आपने कॉपी करी है ना उन फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, रिप्लेस द फाइल कर दो। फिर आपका क्या होगा कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो फिक्स हो चुका है, यानी कि अब आप गेम ओपन करोगे तो आपका 1080p रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ गेम कैसे ओपन करना है। ये वाली फाइल है जी टी सैन एंड्रियास, ठीक है, इसको आप कॉपी करके जो है अपना शॉर्टकट भेज सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, तो वो कर सकते हो आप। बाकी आप इधर से भी ओपन कर सकते हो और मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके हो जाएगा आपका गेम। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका गेम यहाँ पे कम्प्लीटली चालू हो चुका है। और अब देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है। देखो ऑप्शन में गया, डिस्प्ले सेटअप में गए, एडवांस में आए, यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो आपका 1080p रेजोल्यूशन पूरा हुआ है। देखो ये देखो, ठीक है, 1080p, वरना अगर आप वो फाइल नहीं डालते तो आपका रेजोल्यूशन कितना रहता, ये देखो इतना रेजोल्यूशन रहता आपका, इससे इससे नीचे रहता 1600x1200, ठीक है, ऐसा रेजोल्यूशन रहता। तो आपने वो फाइल डाल दी तो ये हो गया 1080p, मतलब कि अब आपका लाइक मॉनिटर भी 1080p ही होगा। आई होप कि सभी का मॉनिटर 1080p होता है। सो हमने ये डाल दिया है, अब कुछ नहीं करना है, वाइटनेस को थोड़ी बढ़ा देते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेटिंग में सेटअप करना ज़रूरी है, ठीक है, एडवांस में जाकर के विजुअल इफेक्ट्स को क्वालिटी को हाई कर दो अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो, लाइक नॉर्मल है जिसमें लाइक आप समझ रहे हो ना कि डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड, जिसमें ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी नहीं है उसमें भी आप यहाँ पे, जिसके पास ग्राफिक कार्ड ही नहीं है ना तो यार वो है ना इसको मीडियम में चलाओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वेरियाई में भी चला सकते हो बट लैग आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बैग आता है, बैग आता हूँ, बैग आता है, यहाँ पे मिलेगा आपको स्टार्ट गेम, ठीक है, स्टार्ट गेम कर दो। लोड गेम आप करोगे तो आपके पास कोई फाइल होनी चाहिए सेव गेम, जिससे आप पूरे मिशन कंप्लीट, देखो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है जिसमें मैंने पूरा गेम यहाँ पे जो है कम्प्लीट किया हुआ है, ठीक है। एंड आपके पास ये नहीं होगा, नया नया GTA डाउनलोड करोगे तो मैं भी न्यू गेम कर देता हूँ। ये गाइस देखो फाइनली हमारा जो गेम है वो यहाँ पे चालू हो चुका है, देखो एकदम अच्छे से डाउनलोड ओके और इंस्टॉल होके ओपन हो चुका है गेम, देखो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ये। सो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट वेबसाइट थी जहाँ से आप GTA San Andreas को डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर बहुत से ऐसे गेम्स की वीडियोज़ आने वाली है, सो लाइक चैनल पर कनेक्ट ज़रूर रहना। एंड मुझे ये लगता है कि आपको लाइक ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है और सब भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा ओरिजिनल GTA San Andreas यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और एक और बात, जाने से पहले रुक जाओ ज़रा, आपको San Andreas का क्लो मोड चाहिए कि नहीं, ठीक है, वो मुझे बता देना। GTA San Andreas का क्लो मोड, जो क्लो मेन्यू आता है, अभी नया नया गेम हमने इंस्टॉल किया है इसलिए इसके अंदर क्लो मेन्यू नहीं है, तो आपको क्लो मेन्यू चाहिए या नहीं चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता देना कि आपको क्लो मोड चाहिए कि नहीं। उससे आप क्या होता है कि आप मेन्यू ओपन होता है, आप उसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो उसकी भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।